आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस, इस एप्लीकेशन से 100% लोन को मैं आप लोगों को लेके दिखाऊंगा, यानी कि आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगा आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन से लोन को ले सकते हो। सिंपल, इस एप्लीकेशन से लोन को लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ सकता है। सिंपल, आप अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड की मदद से आप इस नाबी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप बहुत आसान तरीके से आप लोन को ले सकते हो। मैं आप लोगों में लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ, सिंपल जो है मैं आप लोगों को अप्रूवल करके भी दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर लाइव प्रोसेस में करके दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, देखिए जैसे कि आपने ऐसे 50,000 का लोन को लेते हो तो गाइस सिंपल आपको मंथली कितना ईएमआई होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, पूरा फुल डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। नाबी एप्लीकेशन से लोन को लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे अगर आपने ऐसे 50,000 का लोन लेते हो तो गाइस इसी में से आप लोगों को एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल ईएमआई कितना होगा, ये जानकारी भी आप लोगों में ऐसे दे देता हूं। तो चलिए सिंपल आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। सिंपल देखिए, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे कि आपने प्ले स्टोर ओपन करोगे, सिंपल आपको सर्च बार पे लिखना है नाभी लोन। जैसे कि आपने नाभी लोन लिखोगे तो सिंपल आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सिंपल मैं आप लोगों को फुल यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने ऐसे 50,000 का लोन लेते हो, देखिए पूरा फुल डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपने ऐसे 50,000 का लोन लिया तो गाइस सिंपल आप जो है 12 मंथ का ईएमआई कर सकते हो, यानी कि 1 साल का आप ईएमआई कर सकते हो। उसके बाद सिंपल देखिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, देखिए 22% आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। उसके बाद सिंपल देखिए आपका टोटल मंथली ईएमआई जो होगा, देखिए पे 4,680 देखिए 80 रुपये आप लोगों को मंथली आप लोगों को ईएमआई बनने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए भाई 4,680 देखिए 12 मंथ के लिए आपको ईएमआई होगा। देखिए आप लोगों से भी देखिए 6,160 रुपये यानी कि आपसे लिया जाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग फीस का नाम से लिया जाएगा। देखिए भाई 6,160 रुपये आप लोगों से यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके बाद से देखिए नीचे देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फीस, देखिए इंसेप्ट देखिए GST 1,475 रुपीज़ आप लोगों से प्रोसेसिंग फीस और GST के नेम से लिया जा रहा है। उसके देखिए आप लोगों जो ना 50,000 का लोन अमाउंट मिलेगा, जिसमें से देखिए यहाँ पे GST जो है 1,475 रुपये आप लोगों से काट के फिर आप लोगों को टोटल अमाउंट मिलेगा। टोटल यहाँ पे अमाउंट मिलेगा देखिए 48,525 रुपये आप लोगों को टोटल अमाउंट आपका बैंक अकाउंट पे आएगा। तो चलिए नीचे पर देखिए पूरा फुल डिटेल आप लोगों को मेंशन किया हुआ। देखिए आपको टोटल ईएमआई जो होगा 4,680 रुपये 12 मंथ के लिए होगा। टोटल आपको जो पे करना पड़ेगा देखिए 50,660 रुपये आप लोगों को टोटल आप लोगों को पे करना होगा, यानी कि 56,160 रुपये आप लोगों को टोटल नबी को पे करना होगा। उसके बाद में नीचे पूरा फुल डिटेल देखिए लिखा, देखिए प्रोसेसिंग फीस जो लग रहा है 6,160 रुपये यानी कि आप लोगों से प्रोसेसिंग फीस का नेम पे लिया जा रहा है। देखिए 1,475 रुपये आप लोगों से लिया जा रहा है। टोटल कुल मिला के देखिए पे टोटल जो देखिए 7,635 रुपये आप लोगों से लिया जा रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग फीस का नेम पे टोटल आप लोगों भरना होगा। देखिए 56,160 रुपये आप लोगों को नबी को टोटल पे करना पड़ेगा। अब भी आप लोग लोन को कैसे लोगे, देखिए इससे कम अमाउंट भी आप लोन ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। सो गाइस सिंपल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ओपन कर लेना है। देखिए ट्रस्टेड एप्लीकेशन, इसी में से आप लोगों को लोन बहुत इजी से मिल जाता है। इसके लिए देखिए आप लोगों का दो ऑप्शन आएगा, जैसे अपने एप्लीकेशन ओपन करोगे देखिए यहाँ पे लिखा है पर्सनल लोन और नीचे देखिए लिखे हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या सिंपल होम लोन, यानी कि 10 करोड़ तक आपको होम लोन भी मिल जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने अपना अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल आप लोगों को मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। देखिए जैसे कि मोबाइल नंबर ओटीपी देने के बाद सिंपल आपका सामने आ जाएगा देखिए पर्सनल लोन। उसके बाद सिंपल देखिए फुल नेम एज देखिए पेन, यानी कि आपका पेन कार्ड के ऊपर जो नेम है सिंपल आपका नेम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद सिंपल आप डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, पेन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे पेन कार्ड का नंबर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी लोन मिलेगा आपका पेन कार्ड की बेसिस में मिलेगा, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो गाइस आपको अच्छा अमाउंट का मिल जाएगा। ये ऐसे जो ना 20 लाख तक आप लोन को ले सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, आपका नेम देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ और सिंपल पेन नंबर। चलिए डिटेल को भर लेता हूं।
बस डिटेल को भरने के बाद सिंपल मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा सिंपल के वेरीफाई योर डिटेल, यानी कि यहाँ पे डिटेल वेरीफाई हो रहा है, उसकी बस सिंपल मुझे देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपल मैं सैलरी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपल देखिए टोटल मंथली इनकम। तो गाइस आपके हिसाब से आप मंथली यहाँ पे इनकम यहाँ पे भर दीजिए। जैसे कि आपने मंथली इनकम दे दोगे उसके बाद सिंपल आपको दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पे कुछ परमिशन देना होगा। जैसे कि आप लोग पे एसएमएस का परमिशन देना होगा, आपका कॉन्टैक्ट का परमिशन देना होगा, आपका लोकेशन का परमिशन, आपका डिवाइस का परमिशन, यानी कि देखिए प्ले स्टोर में जितना भी लोन एप्लीकेशन है तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पे परमिशन देना ही होगा, अदरवाइज आप आगे ही नहीं जा पाओगे। क्योंकि देखिए आप जैसे कि बैंक से लोन को लेने के लिए जाते हो तो गाइस वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत देना पड़ सकता है, यानी कि आपको काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है। ऐसे अगर आपने लोन को लेती है तो गाइस आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, सिंपल आप आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड, यानी कि आपका पैन कार्ड के बेसिस में आप लोगों को लोन मिल जाता है ऐसे। उसके बाद सिंपल आप एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद सिंपल अलाउ कर देंगे, फिर अलाउ कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए चेक किया जा रहा है कि मुझे लोन यहाँ पे अप्रूवल होता या नहीं। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। चलिए अभी देखिए प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और देखिए जैसे कि चेक होने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं। देखिए 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि यहाँ पे कितना तक लोन अमाउंट मिलता है और गाइस आपको मंथली ईएमआई कितना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पीछे दिखा दिया हूँ, जैसे कि आपने 50,000 लोन ऐसा लेते हो, 50,000 का लोन अमाउंट, तो कितना आपको मंथली भरना होगा। उसी हिसाब से आप अपना देखिए अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि आपको 20,000 तक लोन चाहिए तो 20,000 ले सकते हो, 50,000 का आप लोग अप्रूवल मिलता है तो गाइस आप 50,000 भी ले सकते हो। चलिए यहाँ पे अपना फुल डिटेल यहाँ पे देखिए आ गया है। उसके बाद सिंपल आप देख सकते हो मुझे जहाँ पे 30,000 का लोन के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है, तो पूरा फुल डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि मुझे 30,000 का लोन यहाँ पे देखिए अप्रूवल हुआ है, आप देख सकते हो पूरा फुल डिटेल आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद सिंपल देखिए मुझे 10 मंथ का ईएमआई होगा, देखिए 3,622 रुपये मुझे यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद सिंपल देखिए यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो, मैं चाहूँगा तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ईएमआई कम ज़्यादा कर सकते हो, देखिए 7-6 मंथ का भी कर सकता हूँ, उसके बाद इसमें 3 मंथ का भी कर सकता हूँ, कितना ईएमआई भरना पड़ेगा आप पूरा फुल डिटेल यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद सिंपल देखिए टोटल जो मेरा बैंक अकाउंट में देखिए ट्रांसफर कर ट्रांसफर अमाउंट 27,641 रुपये मुझे अपना बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के बारे फुल डिटेल दिखा देते। प्रोसेसिंग फीस का नेम पे देखिए 2,000 रुपये लिया जा रहा है, 1,999 रुपीज़, यानी कि 2,000 रुपये मुझे पे प्रोसेसिंग फीस का नेम पे लिया जा रहा है। उसके बाद GST का नेम पे देखिए 360 रुपये मुझे लिया जा रहा है। टोटल ट्रांसफर अमाउंट होगा देखिए 27,641 रुपये मेरा जो है टोटल अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद में देखिए ईएमआई टूर, देखिए पे 10 मंथ का ईएमआई होगा, देखिए पे पेबल अमाउंट में देखिए पे 5,732 रुपीज़ मुझे पे पेएबल देखिए अमाउंट देखने को मिल रहा है 10 मंथ में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 35,732 रुपये देखिए टोटल लोन देखिए रीपेमेंट, यानी कि टोटल मुझे पेमेंट करना होगा 35,732 रुपये, यानी कि मुझे लोन अमाउंट मिले ऐसे 30,000 का और टोटल मुझे पे करना पड़ेगा 35,732 रुपये मुझे यहाँ पे टोटल ईएमआई को पे करना पड़ेगा। अभी मुझे लोन को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कंटिन्यू करूँगा सिंपल देखिए यहाँ पे मुझे अपना बैंक डिटेल देना पड़ेगा। सिंपल जैसे कि अपना बैंक जो भी अपना बैंक है अपना बैंक का नेम दे दूंगा, उसकी बस मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, आईएफएससी कोड दे दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसकी बस सिंपल जो अपना बैंक अकाउंट पे अपना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी इस एप्लीकेशन से लोन को लेना नहीं है, सिंपल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूं कि आप लोग अगर लोन को लेना चाहते हो तो गाइस आप नाबी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से बहुत आसान तरीके से आप लोन को ले सकते हो। सिंपल देखिए जैसे कि मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा, देखिए आईएफएससी कोड वगैरह दे दूंगा, उसके बाद सिंपल बहुत इजी तरीके से मेरा बैंक अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ईएमआई होगा मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि इस प्रकार से आप ईएमआई भर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे बैक कर दिया हूँ, मुझे अभी लोन की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा फुल डिटेल यहाँ पे आ गया है। तो चलिए मैं दोबारा यहाँ पे कट कर देता हूँ। सिंपल देखिए कंप्लीट योर बैंक डिटेल, सिंपल देखिए कंटिन्यू यहाँ पे कंटिन्यू देखिए जैसे कि मैं क्लिक करूंगा, सिंपल जैसे कि मैं अपने यहाँ पे बैंक डिटेल भर दूंगा मेरा बैंक अकाउंट पे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइस आप इस प्रकार से नाबी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप बहुत आसान तरीके से आप लोन को ले सकते हो। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिल्म में तो नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।